मुझे मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मुझे ऊपर ऊपर मारना है, ग्राउंड के बाहर मारना है, मुझे सिर्फ रोप के पीछे मारना है यार। मुझे 6 रन ही मिलता है, 8 रन थोड़ी मिलता है। बात तो सही है। बैट के साथ कुछ और भी अच्छा होना चाहिए छक्का मारने के लिए जो आपके पास है। अरे और कुलदीप बट मेरा सोच ये है कि भाई मेरे को 80 मीटर ही मारना है, अगर छक्का 65 मीटर है या 70 मीटर है मैं क्यों 100 मीटर मारू? 100 मीटर तब मारूंगा जब तुम 8 रन दोगे। बट अगर छक्का मार, अब 80 मीटर पे छक्का मारने से आपको 6 रन मिल रहा है तो आई विल हिट 80 मीटर यार, एंड फॉर दैट आई नीड टू टाइम द बॉल, आई डोंट नीड टू मसल द बॉल। क्या बात है सर, क्या बात है सर? रोहित भाई से अच्छा कोई पुल मार सकता है क्या? ए रोहित भाई स्टार्ट करो। पिछली बार मैंने 5 सेंचुरी की है बट हम सेमीफाइनल में हार गए, तो हम नहीं चाहते कि वो करेक्ट। तो सब कुछ 2019 ईयर के जैसा नहीं होना चाहिए, भले मेरे 100 लगे या 2 लगे या लगे ही नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना है हमें, ये मेन गोल है। मैं रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ, शांति शांति मेरे लिए सब कुछ है, तो शांति से खेलो, शांति से जियो और शांति से दूसरों को जीने दो। बहुत कह रहे थे ना कि रोहित शर्मा इस बार बहुत सारे रन बनाएंगे, आपके हिसाब से कौन बना रहे? रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर, इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेयर है रोहित शर्मा, इस बार भी दोहरा शतक लगाएंगे रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप में दोहरा शतक, वाह। दोहरे शतक आ रहे हैं रोहित शर्मा का पक्का। और ये विराट सूर्य वगैरह, हाँ ये लोग चलेंगे, पर सबसे ज्यादा रन बल्ले से रोहित शर्मा का आएगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तुम्हें देखने के लिए सब कुछ छोड़ दूं, तुम कोई रोहित शर्मा की बैटिंग हो क्या? शाबाश। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मेरे हिसाब से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी वाइड बॉल क्रिकेट को दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो वो रोहित शर्मा। बात तो सही है। उनके आसपास कोई आता भी नहीं है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रोहित शर्मा को मैं यही कहूंगा कि एशिया कप में तो उसने जो कर लिया, लेकिन इस बार हारिस रोफ से वो नहीं बच सकता, ना हारिस ना शीन। देखो ये मार नहीं थी, ये तो हमारे लिए खेल था, ये खेल, हाँ, ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे अरे ऐसी कौन सी विकेट है जो आपको विकेट लेने के बाद ये फील हुआ कि कोई भी सेलिब्रेशन इनफ नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी विकेट है? अभी ये इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मेरे 2 विकेट ली थी, जो एक शर्मा को और सूर्या को, तो शर्मा के साथ थोड़ा सा मुझे जब हमारा डैश लेंथ था, उस टाइम थोड़ा सा मुझे फील होना चाहिए, मेरे सामने आया था इसको, मैं मुझे लिटरली वो मैंने देखा उसको तो वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा था, मैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा इसकी इसको आज आउट करूं तो बड़ा मजा। टाइगर इस
इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, सही है तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।